नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने बिहार पीसीएस की परीक्षा के पैटर्न में कई बड़े चेंजेस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उस पैटर्न में चेंजेस को समझने के साथ साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो चेंजेस एक प्रतियोगी के तौर पर हम लोगों को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं या हानि पहुंचा सकते हैं। उसके साथ ही साथ इन चेंजेस के निहितार्थ को समझते हुए हम लोग एक बेहतर और कारगर रणनीति बनाने की ओर भी अग्रसर होंगे। तो चलिए, आज के जो ये पैटर्न है उस पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही संक्षिप्त अवलोकन और विश्लेषण हम लोग करेंगे इसका, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको कई जगह से सुन या देख समझ चुके होंगे, परंतु कुछ इसके निहितार्थ हैं जो आप लोगों को बताना जरूरी है, कुछ एक एनालिसिस। देखिए, सबसे पहली बात कि प्री में अब निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, और ये 68वीं बीपीएससी यानी जिसका फॉर्म अभी चल रहा है, जिसमें अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, 30 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, उसमें भी यह चेंजेस किया हुआ है। निगेटिव मार्किंग अब से होगी। पहले आपको पता था कि ये 150 नंबर का आपका होता था पेपर, ये जो 150 नंबर का पेपर है अभी भी 150 का ही है, परंतु यहां पर निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती थी। जैसे जो अभी आपका पिछला जो बिहार पीसीएस का था, उसमें प्री की कट ऑफ गई थी 113, जो आपकी 67वीं बीपीएससी थी 67th में 113 गई थी, और उसके पहले 66वीं में देखेंगे तो उसमें 108 गई थी, जो कि एक बहुत ज्यादा कट ऑफ है। यानी आप देखेंगे तो 75% से भी ऊपर ये कट ऑफ जा रही है, और उसका एक मेजर कारण अगर देखेंगे तो यही था कि वहां पर निगेटिव मार्किंग का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। परंतु अब इसमें देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो गई है, यानी कि अब आपके नॉलेज की सटीकता बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, अब तुक्काबाजी नहीं चलेगी, और इसकी वजह से कई लोगों को जो तुक्के भी सही हो जाते थे, इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई हो जाती थी। अब वहां पर आपका जो ज्ञान है वो सटीक अगर है तभी आप उस क्वेश्चन को टिक करेंगे। इस वजह से यहां पर अब उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति हो गई है जो पढ़ाई ज्यादा सीरियसली करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्री में आपकी निगेटिव मार्किंग हो गई है। इसमें एक जो बहुत ज्यादा एक दुविधा रहती है लोगों को कि, और नेट वगैरह पे या फेसबुक पे ये ट्रेंड भी काफी चल रहा है कि इसमें जो ई ऑप्शन है वो हटना है या नहीं हटना है। तो इस पर देखिए, एक स्थिति मैं क्लियर कर दूं, 68वीं बीपीएससी में ये ऑप्शन नहीं हट रहा है ई ऑप्शन, परंतु बीपीएससी अध्यक्ष और सचिव जी की एक जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें ये बात सामने आई है कि 69वीं बीपीएससी यानी उसके अगली वाली बीपीएससी में वो लोग इसको हटाने के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मेंस के स्तर पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो ज्यादा बड़े चेंजेस जो है वो मेंस के ही स्तर पे हुए हैं। अब उसमें क्या हुए हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो ऑप्शनल पेपर रहता था, ऑप्शनल पेपर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और उसका कारण भी उन लोगों ने बताया अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया थी वो इतनी ज्यादा जटिल थी, जिसमें ज्यादातर लोगों को समस्या होती थी और कई सारी उसकी वजह से रेट्स वगैरह भी पड़ती थी, तो अब उसी को पूरा प्रोसेस हटा दिया गया है और अब जो है ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और क्वालिफाई कितना करना है तो 40% उसमें मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद देखिए कि 300 नंबर वाले को 100 नंबर ही कर दिया गया है, यानी पहले जो 300 नंबर का होता था वो अब 100 नंबर का है, और 3 घंटे तो आपके पहले भी थे ये अभी भी हैं। उसके अलावा जो एक मेजर बड़ा चेंज किया गया वो है एमसीक्यू टाइप, यानी संक्षेप में अगर इसका निहितार्थ समझें तो अब आपको ऑप्शनल पढ़ने के लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं देना है। आप लोग जो भी जीएस पढ़ते हैं, जीएस का पोर्शन जो कुछ भी करते हैं, उसमें प्री और मेंस दोनों में ही जीएस पूछी जाती है, और जीएस के पढ़ने के ही क्रम में आपको ऑप्शनल का जो भी पेपर अगर आपका वो जीएस से मैच करता है, अगर आपका ऑप्शनल, तो उतने में ही वो तैयार हो जाएगा। अन्यथा आपने अगर ग्रेजुएशन वगैरह में भी पढ़ रखा है कोई सब्जेक्ट जो कि आपके जीएस का पार्ट नहीं है, वह भी आप इसमें आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑप्शनल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का ही है केवल, साथ में एमसीक्यू भी है और क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग का अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि उसमें उसका निर्धारण आपकी मेधा सूची के निर्धारण में नहीं किया जाएगा, यानी उसके अंक जो है वो आपकी मेरिट बनाने में नहीं जोड़े जाएंगे, उसको केवल पास करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला जो एक बड़ा चेंजेस हुआ है वो ये है कि जो आपका ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का हटाया गया है, या कह सकते हैं कि उसको क्वालिफाइंग किया गया है, उसकी जगह पे एक नया पेपर जोड़ा गया है जो कि है निबंध का। निबंध का पेपर जोड़ा गया है, और निबंध का पेपर 300 नंबर का जोड़ा गया है।
300 नंबर यानी काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है निबंध को। और देखिए कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी आप लोगों से बराबर ये बात कहता था कि निबंध के द्वारा व्यक्ति की संपूर्ण जो उसकी पर्सनालिटी है उसको भी जज किया जाता है। ये सारी बातें मैंने अपने जो हमारी निबंध की कई सारी वीडियो सीरीज पड़ी हुई है उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से मैंने कही दी। और इस समय वही बात जो है वहां के अध्यक्ष और सचिव जी भी कह रहे हैं कि निबंध के द्वारा हम किसी व्यक्ति की क्षमताओं को जांचेंगे, उसके व्यक्तित्व को जांचने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए कि निबंध जो है उसको 300 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इसके लिए इसमें आप देखें तो आप लोग जो यहां पर टाइम देते थे अपना, यहां ऑप्शनल पेपर में जो समय और श्रम देते थे उसको अब आप लोगों को स्थानांतरित करना होगा निबंध के पेपर की ओर, क्योंकि यह एक बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाला सब्जेक्ट बन गया है। तो अगर संक्षेप में कहें कि अब हमारा बीपीएससी का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आपका 150 नंबर का होगा प्री। प्री जो है वो आपका 150 नंबर का है, मेंस जो है वो आपका हो जाएगा टोटल 900 नंबर का। मेंस है 900 नंबर का, और 900 में आएगा क्या, तो 900 में देखिए पहला एक जनरल हिंदी का जो पेपर पहले भी होता था अभी भी होगा वो होगा 100 नंबर का होता था, और इसी के साथ ऑप्शनल का पेपर वो भी 100 नंबर का। ये दोनों ही पेपर जो है क्वालिफाइंग है, जिसमें से हिंदी में आपको 30% नंबर लाना जरूरी होता है और मेंस जो आपका ऑप्शनल है उसमें 40%। ठीक है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। उसके बाद देखें GS1 का पेपर, GS2 का पेपर और निबंध का पेपर, ये तीनों ही पेपर 300 मार्क्स के हैं, 3-3 घंटे में इनको करना है। और जो फाइनल जो हमारी मेरिट का निर्धारण होगा यानी जो लोग इंटरव्यू के लिए चयनित किए जाएंगे वे इन्हीं मार्क्स के आधार पर होंगे। तो 900 नंबर का ये पेपर होगा टोटल। GS1 में आपको पता है कि GS1 में एक मेजर पोर्शन आपका स्टैट्स का होता है। इस स्टैट्स की यानी स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी सांख्यिकी क्लासेस रहती हैं उनके लिए हम लोग जल्दी ही एक नए टीचर के माध्यम से इसको आप लोगों को पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो भी निबंध का बैच हमारा जल्दी ही शुरू हो रहा है और इस कई सारे वीडियोज ऑलरेडी इस पे पड़े हुए हैं। तो देखिए GS आप लोग पढ़ते भी हैं। एक जो कई सारे लोगों के यह भी प्रश्न आया कि उन्हें बिहार पीसीएस भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, वो केवल एक एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं RO ARO पे। तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एग्जाम दें, अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर देखिए आपका कुछ भी नया नहीं है पढ़ने लायक। आपको GS जो है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं और निबंध जो है वो आपको पढ़ना ही है, ऑप्शनल हिंदी जो है जनरल हिंदी वो आप पढ़ ही रहे हैं। ऑप्शनल में बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपका GS का ही पोर्शन है, तो आप कोई भी ऑप्शनल ऐसा रख लेंगे जो GS का पार्ट है तो उससे भी आपका आसानी से हो जाएगा, MCQ टाइप है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें यहां पर बात आ रही है कि प्री में 150 नंबर का प्री होगा, 900 नंबर का मेंस होगा और 120 नंबर का वहां पर इंटरव्यू होता है। 120 नंबर का इंटरव्यू अगर देखेंगे तो ये हमारा टोटल पहले की ही तरह 1020 में हमारी मेरिट बनेगी, और 1020 में ये हमारी मेरिट बनेगी जिसमें पिछली साल जो कट ऑफ गई थी वो करीब 535 के करीब गई थी, तो उस हिसाब से हमें यहां पर अंक अर्जित करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल देखें तो इस परीक्षा में जो सबसे अच्छी, अगर इसके पैटर्न की अगर हम पॉजिटिव बात कहें तो वो ये है कि फिलहाल इसमें जो हमारा एक स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया थी जिसकी वजह से आपकी कई बार भर्ती भी लटक जाती थी और साथ ही कई लोगों को उसमें पारदर्शिता को लेकर संदेह की स्थिति होती थी, वह अब नहीं है। अब आपका जो पेपर होगा वो और ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू होगा आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स का। उसके साथ ही साथ यहां पर अब निबंध के परीक्षा को वेटेज दी जा रही है, यह इसका एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। और उस निबंध की तैयारी के लिए कई सारे वीडियोज हमारे ऑलरेडी पड़े हैं, आप उनसे लाभ ले सकते हैं। और साथ ही हम लोग नया जो बैचेस शुरू करेंगे उनसे भी आपको निश्चित तौर पर काफी लाभान्वित होने की संभावना रहेगी। और चलिए इससे रिलेटेड अगर और भी कोई आपके डाउट हैं तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।